तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल ट्यूर टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम आपको भरतपुर घूमने के दर्शनीय स्थानों के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। भरतपुर राजस्थान का ब्रज क्षेत्र कहा जाता है, ब्रज भूमि है जो अपनी संस्कृति और अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। भरतपुर से मथुरा और आगरा लगभग दोनों ही 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि लगभग एक घंटे का रास्ता है, और इसीलिए भरतपुर का पर्यटन महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जो लोग आगरा आते हैं वो भरतपुर पर्यटन के लिए आ जाते हैं, जो लोग मथुरा वृंदावन घूमने आते हैं वो भी भरतपुर घूमने के लिए ज़रूर आते हैं, तो भरतपुर का पर्यटन महत्व और अधिक बढ़ जाता है। राजस्थान का ये खूबसूरत शहर अपने केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और वास्तव में ये बहुत ही खूबसूरत स्थान है। यहाँ का पक्षी अभयारण्य इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, पूरी दुनिया से पर्यटक यहाँ आते हैं। केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान में आप तरह तरह के पक्षियों को देख सकते हैं, जंगली जानवरों को भी देख सकते हैं और जंगल का मज़ा भी ले सकते हैं। यहाँ लगभग पक्षियों की 370 प्रकार की प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेगी, और यही कारण है कि यह स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है। तो ये स्थान बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है जहां आपको जरूर जाना चाहिए। तो यदि आप एक फोटोग्राफर हैं या फिर पक्षी प्रेमी हैं या फिर आप घूमने के शौकीन हैं, आपको राजस्थान के भरतपुर के केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान में घूमने का एक अलग ही मज़ा आने वाला है। राजस्थान का यह शहर पक्षियों को नज़दीक से महसूस करने के लिए, पक्षियों को नज़दीक से देखने के लिए अपने आप में एक अद्भुत स्थान है। सूखी घास के मैदान, वुडलैंड्स, दलदल और छोटे छोटे तालाब और पक्षियों की अद्भुत चहचहाट, ये सारी चीज़ें मिलकर इसे एक स्वर्ग जैसा रूप दे देती है, स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर बना देती है। यहाँ आप 370 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियों को देख सकते हैं, 380 प्रकार के फूलों की प्रजातियों को और 50 से ज़्यादा प्रकार की प्रजातियों की मछलियाँ यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा तरह तरह के जंगली जानवर और सांपों की प्रजातियों को भी आप यहाँ नज़दीक से देख सकते हैं। ये पार्क सुबह 6 बजे ही पर्यटकों के लिए खुल जाता है और शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। सर्दियों में यह सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक ही खुलता है। यहाँ आपको दो प्रकार की फीस देनी होती है, एक एंट्री फीस और दूसरा जंगल में घूमने के लिए आपको चार्जेस देने होते हैं। जी हाँ, जंगल में घूमने के लिए गाड़ी चलती है, तांगा चलता है, रिक्शा चलता है, और आप साइकिलिंग भी यहाँ कर सकते हैं, और नहीं तो आप पैदल भी घूम सकते हैं। पैदल घूमने के कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन एंट्री फीस तो आपको हर हालत में देनी होती है। तो यहाँ आपको दो प्रकार की फीस देनी होती है। जो इंडियंस हैं उनके लिए फीस बहुत ही कम है, एंट्री फीस लगभग 50 रुपये है, और रिक्शा यदि आप करते हैं तो लगभग 150 रुपये प्रति घंटे की हिसाब से रिक्शे वाले को आपको पैसा देना होता है। तो जैसा आप साधन लेते हैं वैसा पैसा देना होता है, और ये चार्जेस आपको प्रति घंटे के हिसाब से देना होता है। तो यदि आप मथुरा वृंदावन या फिर आगरा घूमने जाएँ तो भरतपुर केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान देखना बनता है, और देखना चाहिए, बहुत खूबसूरत जगह है। यदि आप ऐतिहासिक इमारतों को, ऐतिहासिक किलों को देखने के शौकीन हैं तो भरतपुर में लोहागढ़ का किला देखने जा सकते हैं। इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के कुंवर महाराजा सूरजमल के द्वारा 1733 ईस्वी में करवाया गया था, और ये किला भारत के अजय दुर्ग में से एक माना जाता है, बल्कि भारत का एकमात्र अजय दुर्ग माना जाता है, और इसीलिए अजयगढ़ का दुर्ग भी इसे कहा जाता है। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी हुई है, दोहरी दीवार बनी हुई है, अतः इसको मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है, और ये मिट्टी की दीवारें ही इसके अजय होने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इस किले के चारों ओर एक गहरी खाई बनी हुई है, और इस किले में दो दरवाजे हैं। इनमें उत्तरी द्वार अष्ट धातु का बना हुआ है, और इस दरवाजे की खास बात यह है कि जब जवाहर सिंह जाट ने 1765 में दिल्ली पर विजय प्राप्त कर ली तब वो इस दरवाजे को लाल किले से उतार कर यहाँ लाए थे। तो इस दरवाजे का एक अपना अलग इतिहास है, और ये दरवाज़ा अपने आप में कुछ खास है। इस किले पर कई बार आक्रमण हुए लेकिन इसे कोई भी नहीं जीत पाया। कई पड़ोसी राज्यों, मुस्लिम आक्रमणकारियों और अंग्रेज़ों ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन किसी को भी दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर नहीं मिला। और जब अंग्रेज़ों ने
इस दुर्ग को फतेह करने की कई बार प्रयास कर लिए, सफलता नहीं मिली तो 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने इस दुर्ग को बारूद से उड़ाने का प्रयास किया, मगर वो इसमें भी असफल रहे। कहते हैं कि इस किले पर कब्जा जमाने के लिए अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर 13 बार आक्रमण किया। अंग्रेजी सेना ने यहाँ सैकड़ों तोपों से गोले बरसाए, लेकिन उन गोलों का किले पर कोई असर नहीं हुआ और 13 बार में एक बार भी किले को वो गोले भेद नहीं सके। कहा जाता है कि अंग्रेजों की सेना जब बार बार यहाँ हार गई तो वो हताश होकर वहाँ से चली गई। अंग्रेजी इतिहासकार अंग्रेज जेम्स टॉड के मुताबिक, जेम्स टॉड के अनुसार इस किले को फतेह नहीं करने का सबसे बड़ा कारण इसकी दीवारें रही जो कि मिट्टी से बनी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद इस किले को फतेह करना लोहे के चने चबाने से कम नहीं था, क्योंकि तोप के गोले उस मिट्टी में जाकर धंस जाते और डिफ्यूज हो जाते। इस किले को किसी भी दुश्मन के द्वारा फतेह नहीं किया जा सका और इसीलिए इस किले को अजय दुर्ग कहा जाता है। ऐसा अद्भुत दुर्ग अपने आप में बहुत खास हो जाता है और देखना बनता है। तो भरतपुर जाएं तो लोहागढ़ का किला जरूर से देखें। भरतपुर में दर्शनीय स्थानों में अगला स्थान है बांके बिहारी मंदिर। जैसा कि भरतपुर राजस्थान का ब्रज भूमि स्थल माना जाता है, ब्रज भूमि है, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर आपको देखने को जरूर से मिलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह मंदिर वृंदावन के ठाकुर के 7 मंदिरों में से एक माना जाता है। भरतपुर शहर के हृदय में यह मंदिर स्थित है। बांके बिहारी का यह मंदिर भारत के कई प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मंदिर में आपको भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी राधा रानी के प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। यहाँ आपको भगवान श्री कृष्ण के बचपन के चित्र भी देखने को मिलेंगे। मंदिर की दीवारों और छत पर विभिन्न देवताओं के चित्र बनाए गए हैं। इस मंदिर का डिज़ाइन ब्रज स्थापत्य शैली को दर्शाता है। ये मंदिर भी अपने आप में बहुत ही खास मंदिर है, अद्भुत मंदिर है, जहाँ हजारों की संख्या में लोग भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं। इसके अलावा भरतपुर में एक गंगा मंदिर है। गंगा मंदिर सुंदर नक्काशीदार मंदिरों में से एक माना जाता है। गंगा मंदिर एक ऐसी उत्कृष्ट कलाकृति है जिसकी सुंदरता, जिसकी वास्तुकला वास्तव में देखने लायक है। यह मंदिर देवी गंगा को समर्पित है। राजपूताना, मुगल और दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक आदर्श मिश्रण इसे कहा जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत गंगा मंदिर आपको जरूर देखना चाहिए। भरतपुर में आप खाने का मजा ले सकते हैं। राजस्थानी खाना यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ का दाल बाटी चूरमा बेहद खास है, मशहूर है। तो भरतपुर जाएं तो दाल बाटी चूरमा जरूर से खाएं। जोधपुर के मावा की कचौरी, जयपुर का घेवर, अलवर का कलाकंद और पुष्कर का मालपुआ, बीकानेर के रसगुल्ले, नमकीन भुजिया, दाल का हलवा, गाजर का हलवा, जलेबी, रबड़ी, ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है और यहाँ आप इन सारी चीज़ों के मजे ले सकते हैं। यहाँ आप ब्रज महोत्सव का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ का ब्रज महोत्सव काफ़ी प्रसिद्ध है। तो भरतपुर घूमने जाएं तो इन सब चीज़ों का आनंद जरूर से लें। भरतपुर के लिए आप एक दिन या दो दिन निकाल सकते हैं। भरतपुर जाएं तो आप मथुरा वृंदावन जा सकते हैं, आगरा देखने जा सकते हैं। तो ये भरतपुर के आसपास के स्थान हैं। यदि आप भरतपुर जाना चाहते हैं तो देखिए, हवाई मार्ग का यहाँ आपको कोई साधन नहीं मिलेगा। नज़दीकी हवाई अड्डा जो है वो दिल्ली है। दिल्ली से आपको भरतपुर आना होगा या फिर जयपुर उतरिए। जयपुर से भी आप सड़क मार्ग से भरतपुर आ सकते हैं। सड़क मार्ग से ये शहर पूरे भारत से जुड़ा हुआ है, तो आप सड़क मार्ग से आसानी से आ सकते हैं। फतेहपुर सीकरी लगभग 24 किलोमीटर दूर है। जयपुर 183 किलोमीटर 183 किलोमीटर दूर है। अलवर 103 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से आप आसानी से भरतपुर आ सकते हैं। फतेहपुर सीकरी भी देखने जा सकते हैं। इसके अलावा रेल मार्ग से भरतपुर जंक्शन है, चूँकि ये सभी स्थानों से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, तो सबसे अच्छा साधन है रेल मार्ग। यहाँ आप बड़ी आसानी से रेल मार्ग के माध्यम से यहाँ आ सकते हैं। लगभग देश के सभी शहरों से भरतपुर से लिए ट्रेन चलती है और आप भरतपुर यहाँ आसानी से आ सकते हैं। तो भरतपुर घूमने का आनंद लीजिए जब भी आप आएँ। इस तरह से प्रोग्राम बना सकते हैं, एक दिन दो दिन भरतपुर के लिए निकाल लीजिए, फिर आप मथुरा वृंदावन घूमने जा सकते हैं। मथुरा वृंदावन के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आगरा घूमने जा सकते हैं, आगरा का ताजमहल देखिए, लाल किला देखिए। तो
तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं हर तरह के घूमने वाले स्थानों की जानकारी, हर जगह की जानकारी। हम कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारी लाइब्रेरी बढ़ती चली जा रही है, हमारा परिवार बढ़ता चला जा रहा है। 7000 लोगों का हमारा परिवार हो चुका है। मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल को देखने के लिए निकाला है। अगर उनको कुछ फ़ायदा हुआ तो उन्होंने सब्सक्राइब भी किया है, लाइक भी किए हैं। मैं उन सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी के साथ मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।